हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार VS Academy पे। तो आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। क्या एक बेहतरीन ट्रिक? कौन सी? चुटकियों में क्या निकालना? स्क्वायर निकालना, वो भी कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। जी हाँ, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। कितने मिनट में? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भी नहीं, सॉरी 5 सेकंड में सीख जाएंगे। कैसे? देखिए, हमें क्या सीखना है बच्चों? स्क्वायर। क्या सीखना है बच्चों? स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे सीखेंगे चुटकियों में? आप देखिए, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये आपको एक आइडेंटिटी पता है ना बच्चों, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना बच्चों। अगर आपको ये लर्न है तो आप बहुत ही इजी तरीके से क्या निकाल लोगे? स्क्वायर। आप मन में कोई भी वैल्यू सोच लीजिए 2 डिजिट की, जिसका आपको स्क्वायर निकालना हो। मन में आपने क्या सोचा? 48 सोच लिया ना? चलिए 48 का किसका निकालते हैं बच्चों? 48 का क्या निकालना है बच्चों हमें? स्क्वायर। तो देखिये, सबसे पहले आपको 3 डंडियां खींचनी है, गांधी जी के 3 बंदर बनाने हैं। 1 बंदर, 2 बंदर, 3 बंदर, ठीक है। और एक 3 बंदरों को 2-2 केले देने हैं, याद रखना। 3 बंदर हैं, 3 बंदर को कितने केले देने हैं? 2-2। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा a का स्क्वायर करना है ना आपको, ये आपकी वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, ठीक है। और प्लस क्या है? छुप गया है। प्लस क्या है मान लो? छुप गया है। देखिए, a स्क्वायर मतलब, ठीक है, बी स्क्वायर हम लोग तीसरे वाले पे लिखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64। और उसके बाद क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल कर देंगे, तो 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, ठीक है। ये क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। अब देखिए क्या करना है, हर बंदर से उसका 1 केला लेना है, और जो बचा हुआ केला है किसको दे देना है? दूसरे वाले बंदर को दे देना है। तो देखिए, इस वाले बंदर का हमने 1 केला लिया, पहला वाला, मतलब यूनिट डिजिट लिया हमने, ठीक है, पहला वाला 4। बचा क्या इसके पास? 6 इसको दे देगा ये दूसरे वाले बंदर को, तो 64 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 70। 64 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 70। तो 70 आया, 70 का आपको ये वाला लेना है, यूनिट वाले, हमेशा 0 ले लिया। बचा क्या इसके पास? 7। अब 7 किसको दे देगा ये? 16 को। 16 7 23, मजा आया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मन में मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू 74, क्या मान लीजिए बच्चों हमने 74, इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले गांधी जी के 3 बंदर को 2-2 केले देने हैं, तो 2-2 केले देना स्टार्ट करिए। आपको बस ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28, 28 टू जा, क्योंकि देखो दोनों का मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल करना है, 28 2 जा 56, ठीक है। आपको क्या करना है? सबकी यूनिट वैल्यू लेनी है, तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या है हमारी? 6। क्या बचा? 1 किसको दे देगा? इसको, तो क्या हो जाएगा? 57। तो आपको कौन सी यूनिट वैल्यू लेनी है? ये वाली 7। फिर क्या इसके पास बचा? 5 कहां चला जाएगा? यहां 49 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? 49 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 54। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलिए एक और ट्राई करते हैं। अब थोड़ा इसको हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग सीख तो चुके ही हैं, अब इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। मन में मान लिया हमारा 188 का स्क्वायर निकालना है, और किसका निकालना है दूसरा? दूसरा हमने कहा कि आप निकाल दीजिए 96 का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जल्दी से बनाना है, इसको ड्रॉ करना है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और इसको क्या करना है? 8 8 जा 64 2 जा 128, ठीक है, ठीक। चलिए अब देखें इसका क्या लेना है, और मैंने कहा था बच्चों कि हमेशा यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, और हमने कहा था बच्चों कि हमेशा आपको इसके साथ 2 रखना है, 2 वैल्यू रखनी है, 2 केले ही देने हैं इस बंदर को। और ये लाइन क्या है हमारी? बंदर है, और ये जो डिजिट लिखो ये हमारे केले हैं, तो इसको 3 केले मिल गए, तो 1 केला इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 65, ठीक है। अभी सिर्फ हमने इतना किया है, इसको 1 किला दिया। अब देखिए इसके यूनिट वैल्यू की 4, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा,
या तो अभी मत दीजिए, अभी मत दीजिए, अभी मत दीजिए, अभी मत दीजिए, इसको मत दीजिए। पहले आप इसकी यूनिट वैल्यू लिखिए 4, फिर इसको 6 ले जाइए। 6 ऐड करेंगे कितना होगा बच्चों, 128 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 134। ठीक है, आपको 134 का क्या रखना, सिर्फ 1 वाली 4 वाली यूनिट वैल्यू देंगे, बाकी ये 13 किसको दे देना, इसको। जब हमने इसको 13 दिया तो कितना होगा बच्चों, 65, 66, 67, 77। 4 इसका, 4 इसका, 13 इसको दिया तो ये हो गया 77। ठीक है बच्चों, हाँ आई होप आप लोगों को ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को इसी तरह आप ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।